आगे आदमी मिलता हूं। आज से करीब 3 दशक हो गए होंगे, बाबा से पहली बार मिला था। बाबा ने बहुत मेरे प्रति बहुत भाव व्यक्त किया था, मैं अनुभव कर रहा हूं आज भी। उसके बाद तो मैं कह सकता हूं मुझे सैकड़ों बार बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री तो मैं बहुत देर से बना, लेकिन उसके पहले एक सामान्य नागरिक के नाते मैं जब भी गया, मुझे उतना समय मिला, उतना प्यार मिला। न मैं कुछ मांगने जाता था, न कुछ कहने जाता था, मैं वहां सिर्फ चाहे व्हाइट फील्ड जाऊं या पुटपट्टी जाऊं या दिल्ली में जाकर के मिला, ऐसे ही चला जाता था। कई लोग बड़े भाग्यशाली रहते हैं कि बाबा उनको कुछ न कुछ देते हैं। कभी कभी मेरे साथ जो लोग आते थे उनको भी बाबा कुछ न कुछ देते थे, फिर मुस्कुराकर मेरे सामने देखते थे, तुझे कुछ नहीं दूंगा। और फिर कहते, तुझे मालूम है मैं क्यों नहीं देता हूं? और कहते, तुम कब, तुम्हें पता है तुम कहां हो? तो मैं ऐसे ही सुनता रहता था। और वो अपना हाथ, मेरा हाथ उठा करके अपने सीने पर, हृदय पर रखते थे, और पता है बोले, तुम यहां भी रास्ते हो, और इसलिए तुम्हारे लिए इन छोटी मोटी चीजों की प्रसाद नहीं है। और ये बात वो हमेशा करते थे। कभी मेरा जाना विलंब हो जाता था, एक आध बार मेरी डेट चेंज हो जाती थी, तो जरूर पूछते थे, डेट क्यों बदली, क्या हुआ? जबकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी कोई पहले कोई डेट थी या दूसरी डेट पाया हूं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। तो मैं फिर बाबा को एक आध दो बार तो मैं ऐसे ही कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा हो गया, नहीं नहीं बोले झूठ बोलते हो, मुझे मालूम है तुम्हें पीठ में दर्द हुआ था, तुम शिमला में थे, चंडीगढ़ जाने वाले थे, वो खुद मुझे बता रहे थे। तो मैंने कभी बाबा से कुछ छुपाया नहीं, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहता था कि हमारी कुछ कठिनाइयों से उनको बोझिल करें। और इसलिए मैंने कभी कभी ऐसे किसी विषय की उनसे चर्चा नहीं की। कभी कभार मैं चिंता ये जताता था, बाबा आपका इतना आत्मविश्वास कैसे है? आप कैसे कहते हैं कि देश का भाग्य बहुत उज्जवल है, कैसे कहते हैं? तो वो खिड़की के बाहर देखते थे, काफी देर तक ध्यानमग्न हो जाते थे, फिर सामने देखते थे, फिर आंख में आंख मिला करके काफी देर देखे रहते थे, फिर एकदम से मुस्कुराते थे, फिर पीठ थपथपाते थे, शब्द कहीं नहीं थे, एक अनुभूति थी, कोई एहसास था। और पता नहीं क्यों मैं अभी भी विश्वास करने लग जाता था, हाँ आया, ये हमारा देश बहुत महान बनेगा, भारत का भाग्य बदलेगा, मैं भी मनोमन मानने लग जाता था। अब वो कौन सा अंतर प्रवाह चलता था वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त नहीं की है कि संतों के इस प्रकार की चीजों को हम डिकोडिंग कर पाए या उसको समझ पाए। उन्होंने जिस प्रकार से डिसिप्लिन को पनपाया था, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जो थी, ये अपने आप में, यानी सेवा तो कई जगह पर होती है, हम कुंभ के मेले में जाए तो भी सेवा करने वाले सैकड़ों लोग मिलते हैं, लेकिन बाबा जहां है वहां जाओगे तो उसकी डिसिप्लिन का रूप ही कुछ अलग होता था। अब मैं मानता हूं ये बहुत प्रयत्नपूर्वक की हुई व्यवस्थाएं थी,
वहां आए हुए हर व्यक्ति की देखभाल करने के लिए सेवा भाव का जो माहौल था, कोई अंतर नहीं। बाबा के नेक्स्ट खड़ा रहकर के जो सेवा करता है वो, और दूर बस स्टेशन के पास कोई सेवा के लिए खड़ा है वो, दोनों की भक्ति की तीव्रता में रत्ती भर अंतर नहीं आता था। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मेरा बहुत सौभाग्य रहा है, बाबा से बहुत निकटता का मैंने हमेशा अनुभव किया है। आखिरी दिनों में बाबा का संदेश आया था, मैं चेन्नई चला गया था बाबा को मिलने के लिए, उसे जाते नहीं थे उस समय। फिर पुटपट्टी आए, फिर मैं जो पुटपट्टी आने के लिए कहा मैं वहां चला गया। बार बार बुलाते थे, बार बार मिलना होता था, लेकिन बात नहीं होती थी। मुझे भी लगता था शायद वो अपनी शक्ति से शायद मुझे देखते होंगे, जांचते होंगे, परखते होंगे, और शायद उनको भरोसा होता होगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं इसके अर्थ क्या होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनका एक मां की तरह वात्सल्य, अपार स्नेह, इसका अनुभव करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा को भविष्य सेवा कार्यों से जानेगा, मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो जीवन खपाया उसको जानेगा। मैं नहीं मानता हूं बाबा खुद चमत्कारों में भरोसा करते थे, ये मेरी कल्पना है। बाबा सेवा में भरोसा करते थे, बाबा आम आदमी की चिंता में भरोसा करते थे, और उनका संदेश भी यही होता था, ठीक रहो और ठीक करो। मैं समझता हूं भारत ने जो अनेक ऋषि मुनि मनीषी दिए हैं, बाबा भी उसी उच्च कोटि में भारत में पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये बात सही है कि मैं हमेशा अनुभव करता था कि बाबा जब सुबह निकलते थे तो बहुत मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था। अनेक प्रकार के समूह बैठे होते थे, वहां से वो गुजरते थे, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट जहां बैठे थे वहां पहुंचते थे तो बाबा बदल जाते थे। उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता था, उन स्टूडेंट्स की तरफ देखने का उनका रवैया बदल जाता था, और ऐसा लगता था ये अरबों खरबों रुपया दान करने वाले लोग बैठे हैं लेकिन बाबा नजर भी नहीं कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे विद्यार्थी बैठे हैं तो उनको लगता है कोई बजा रहा है, उनको संगीत चल रहा है, और एक तबले बजाने वाला वहां नहीं है तो उसको बुला के बुलाते हैं, उसको बुलाओ उसका तबला भिजवाओ। यानी मैं देख रहा था उनको हर बालक की टैलेंट का पता था, और वो बालक क्यों नहीं दिखाई दिया ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उसके विषय में वो पड़े जाए वो क्यों नहीं आया, अच्छा उसको बताओ देखो वो उसका तबला ठीक बज रहा है कि उसका, यानी ये हर चीज का उनका, तो इसका मतलब ये साफ दिखता था कि उनका बहुत बड़ा उस पर बड़ा ध्यान भी था, भरोसा तो था ध्यान भी था। और उन्होंने जब भी कहा गए, जब भी गए, सेल्फलेस सर्विस है उनका, एक प्रकार का हर एक के लिए संदेश रहता था, और सेल्फिश की बढ़िया डेफिनेशन भी कर करके समझाते थे सबको, फिश का उदाहरण दे करके हर एक के दिमाग में वो बराबर भरते थे। लेकिन वो कभी उपदेशात्मक रूप से बात नहीं करते थे, वे कैटलिक एजेंट के तरह रोल करते थे जिससे एक वाइब्रेशन पैदा होते थे, एक परिवर्तन का प्रवाह शुरू हो जाता था। ये करो ये न करो, तुमको इतना करना चाहिए, अब तक क्यों नहीं किया, वगैरह उनके विषय का फलक नहीं था। उनकी उपस्थिति मात्र से, और ये मैं मानता हूं कि युवकों के प्रति उनका अपार लगाव था, अपार भरोसा था, और उनको लगता था
कि युवा शक्ति पर हम जितना भरोसा ज्यादा करेंगे, परिवर्तन की बहुत बड़ी पहल उन्हीं से होगी। ये बात बाबा की हर चीज में प्रकट होती थी।